और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 3 अक्टूबर 2018 के करंट अफेयर्स। तो ऐसे करके मैं डे बाय डे के करंट अफेयर्स सब में दूंगा, लेकिन जैसे आज 5 तारीख है तो 2 दिन पहले के होंगे ताकि इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट हो। और बस इसमें फालतू आपको कोई करंट अफेयर्स नहीं मिलने वाले हैं, 8-10 करंट अफेयर्स ही डेली आपको मिलेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप उसको चाहे तो नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसका का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं 3 अक्टूबर 2018 में क्या क्या अहम चीज़ें हुई। तो पहला हो गया कि कुर्दिश मॉडरेट बरहम साहिल साली इलेक्टेड इराक प्रेसिडेंट, मतलब इराक के प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं। कुर्दिश मॉडरेट एक नेता थे, बरहम साली उनका नाम था, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कांग्रेसी नेता बीजेपी नेता है, तो वहाँ पर वो कुर्दिश मॉडरेट आप कह सकते हैं। मॉडरेट मतलब होता है जो उदारवादी होते हैं, ठीक है। मॉडरेट कुर्दिश कैंडिडेट बरहम साली सर्व टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इराक विद अ रिसाउंडिंग विक्ट्री इन अ पार्लियामेंट वोट, पार्लियामेंट्री वोट से इनको वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया है। सलेह रूटेड हिज मेन राइवल फाउद हुसैन, फाउद हुसैन को उन्होंने हरा दिया है जो उनके मेन प्रतिद्वंदी थे, और 219 वोट्स टू 22, ठीक है। मतलब कि सलेह को बहुत ज़्यादा ही बड़ी मेजोरिटी मिल गई है, और वो जो है सलेम इमिडिएटली नेम्ड अदेल अब्दुल मंदी प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट, और उनका तुरंत नाम ले लिया गया। उसके बाद अगला करंट अफेयर्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आप कैसे याद रख लीजिए, इराक के प्रेसिडेंट थे BS बरहम साली, वो बना दिया गया। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा अगर पूछना भी होगा तो। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये लगभग लगभग हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस रंजन गोगोई जो है उन्होंने स्वॉर्न इन एज अ 46 चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 46वें प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं जस्टिस रंजन गोगोई। तो जस्टिस रंजन गोगोई जो है इनको शपथ दिलाई है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने, क्योंकि भारत में ये संविधान में लिखा है कि जो हमारे चीफ जस्टिस होंगे उनको शपथ कौन दिलाएगा, भारत के राष्ट्रपति। तो ये भी याद रखेगा, पॉलिटी का एक क्वेश्चन है तो वो भी पूछा जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटेड हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एट द फंक्शन इन राष्ट्रपति भवन, ही इज सक्सीडिंग, उन्होंने सक्सीड किया है किसको, दीपक मिश्रा को, जो हमारे पिछले पूर्व चीफ जस्टिस थे जो कि रिटायर हो गए हैं, और जस्टिस गोगोई के अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं 46वें। उसके बाद निवारी इंडक्टेड एज द 52nd डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP, मध्य प्रदेश का में एक नया जिला बनाया गया है, उसका नाम है निवारी, ठीक है। तो और IAS ऑफिसर अक्षय कुमार इसके पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट था सुप्रीम कोर्ट वाला, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक PO अगर कलर वगैरह की आप लोग एग्जाम देते हैं तो उसमें ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। SBI रिड्यूसेस ATM विड्रॉल लिमिट, जो कि इनका क्लासिक डेबिट कार्ड आता था जो नॉर्मली सेविंग्स अकाउंट पे देते हैं, उसमें जो विड्रॉल लिमिट है वो पहले एक दिन में 40,000 थी, उसको घटा करके उन्होंने 20,000 कर दिया है। बाकी सारे जो ग्लोबल कार्ड, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड और क्या क्या कार्ड आते थे उस पर वो सेम एज अ सेम जो पुराना था वही है, बस क्लासिक डेबिट कार्ड जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में देते थे उसको इन्होंने घटा दिया है। उसके बाद है रंगचारी श्रीधर अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ NFRA, NFRA क्या है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उसके अपॉइंट कर दिए गए हैं चेयरमैन कौन, रंगचारी श्रीधरन। और ये एक ऐसी बॉडी है जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फॉर ऑडिट प्रोफेशन, मतलब ऑडिट से रिलेटेड ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको करती है। उसके बाद है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ब्रिंग्स BCCI अंडर RTI, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो हमारा है उसने BCCI अब तक RTI के अंदर नहीं आता था, मतलब कोई भी उसे कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई जवाबदेही नहीं बनती थी जनता के प्रति, लेकिन अब BCCI भी RTI के अंदर आ गई है। कोई भी RTI डाल करके BCCI से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सेंट्रल कमीशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने किस बॉडी को RTI के अंदर ला दिया है, उसमें ऑप्शन दे देंगे 4-5 ऑर्गेनाइजेशन के नाम, तो उसमें आपको क्या चुनना रहेगा, BCCI बोर्ड बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। तो उसके बाद है नोबल प्राइज दिया गया है फिजिक्स का, और ये जो है गया इस बार 3 साइंटिस्ट को, पहले हैं आर्थर अस्किन, दूसरे हैं गेरार्ड मौरव और तीसरे हैं डोना स्ट्रिकलैंड।
तो इन्हें क्यों दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे देश में भी एक फिजिक्स में नोबेल प्राइज अब तक मिल चुका है, वो मिला था डॉक्टर सीवी रमन को, किस चीज़ के लिए, स्कैटरिंग जो उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी उसके लिए, और उनकी हेल्प उस चीज़ को खोजने में की थी जमशेदजी टाटा ने। उनको एक मशीन चाहिए थी उस प्रयोग को सफल करने के लिए, जो जमशेदजी टाटा ने उस जमाने में उन्हें ला कर दी थी। और किस ईयर में मिली थी ये आपको सर्च करके बताना है, अगर आप उसे खुद से सर्च करेंगे तो आपको वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। तो अब हम इसके बारे में कुछ डीप में जान लेते हैं। तो अमेरिकन साइंटिस्ट जो थे आर्थर रस्किन, और फ्रेंच इंजीनियर थे गेरार्ड मोरो, और उसके बाद कैनेडियन प्रोफेसर हैं डोना स्ट्रिकलैंड, इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज इस साल का फिजिक्स का दिया गया है उनके वर्क के लिए, वो भी जो लेजर फिजिक्स की फील्ड में। तो डॉक्टर अस्किन जो थे वो हैज बीन अवार्डेड द प्राइज फॉर द ऑप्टिकल ट्वीजर्स एंड देयर अप्लीकेशन टू बायोलॉजिकल सिस्टम। ये कोई ऑप्टिकल ट्वीजर्स पे इन्होंने काम किया था जो कि काम में लाया जाता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स के। उसके बाद डॉक्टर मोरो और डॉक्टर स्टिकलैंड ये हैव बीन अवार्डेड फॉर देयर मेथड ऑफ जेनरेटिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड ऑप्टिकल पल्सेस। तो इन्होंने हाई इंटेंसिटी और अल्ट्रासाउंड पल्सेस की जनरेशन के जो मेथड्स दिए हैं उनके लिए इनको दिया गया है। तो इसमें आपको ज़्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है कि ये सब क्या चीज़ें होती हैं, बस आप इसको थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए या कहिए तो रट लीजिए। देखिए, पहले थे आर्थर रस्किन, दूसरे थे मोनरो और तीसरे थे स्टिकलैंड, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। और उसके बाद उनके किस लिए मिला, ऑप्टिकल ट्विजर्स के लिए मिला डॉक्टर अस्किन को, डॉक्टर अस्किन को मिला, और उसके बाद डॉक्टर मोरो और डॉक्टर स्ट्रिकलैंड को किस चीज़ के लिए मिला, हाई डेंसिटी अल्ट्रासाउंड ऑप्टिकल पल्सेस के लिए। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो 3 अक्टूबर को ही, कल हम देखेंगे 4 अक्टूबर का, उसके बाद ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 चलता रहेगा। तो आप जुड़े रहिए, और आपको जाहिर सी बात है ये डेली मिलेगा, छोटा छोटा मिलेगा तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा, लेकिन आपको हफ्ते 10 दिन में एक बार इसको रिवाइज करना है, ठीक है। और आप चाहें तो दुनिया भर की वेबसाइटें अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर के करंट अफेयर्स की क्विज खेल सकते हैं, 10-15 मिनट में खेलिए, और उसमें क्या होगा, क्वेश्चंस आएंगे और आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप रिकॉल होता रहेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, भारत माता की जय, जय हिंद।